तो 1937 में बर्ता सम्मेलन हुआ और गांधी जी उस समारोह में आए थे और सभापतित्व इनके पास रहा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहलाता था वो। तो वहाँ इस शिक्षा सम्मेलन को कहा गया बड़दा शिक्षा सम्मेलन। 1937 में हुआ था, डेट आपको ये याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि बड़दा सम्मेलन हुआ कब था, तो बहुत सिंपल है, 1937। कौन गया था? तो बड़दा जी। मैं कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे। इसमें क्या हुआ था? 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कौन सी एज के? 7 से लेकर के 14 वर्ष के। कह दिया गया कि इनको ज़रूर मिले शिक्षा, कोई छूटे नहीं, और पैसे भी इनसे न लिए जाएं, और सभी के लिए होनी चाहिए, और देश की ग्रामीण जनता की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप होनी चाहिए। अब इसमें अनुरूपता कहाँ से निकल के आती है ये समझना था। तो अनुरूपता के लिए उन्होंने कहा कि बच्चे को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए, स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो कृषि का भी ध्यान होना चाहिए, और साथ में हस्त कौशल और मात्र जो भाषा है उसके माध्यम से बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इसकी कुछ विशेष बातें थी। और जो स्कूल में उत्पादन हो तो उस उत्पादन से शिक्षक को वेतन मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज शिक्षक भुखमरी पर बैठे हुए हैं, नई शिक्षा नीति से लेकर के पुराने स्वामित्व पोषित कार्यक्रमों में, तो ये सारी की सारी देन महात्मा गांधी की ही निकल के आ रही है 1937 से। ये सेल्फ शिक्षा, स्वामित्व पोषित, यानी कि सरकार के द्वारा शिक्षक को वेतन ना मिले, तो यहाँ से ये निकल के आया था। ये स्कूलों के लिए किए गए उत्पादन से शिक्षक को वेतन भुगतान कर दिया जाए। फिर आप देख सकते हैं एक बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार हुई थी। बुनियादी शिक्षा क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति बनी थी और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। इन्होंने 1937 दिसंबर में दूसरी रिपोर्ट 1938 में पेश की। पहले में इन्होंने कहा था कि जो तत्कालीन शिक्षा में दोष हैं, सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, विद्यालय का संगठन है, प्रशासन है, निरीक्षण है, इसके संबंध में पूरी जानकारियां दी। लेकिन समझने की बात कहाँ से आती है? दूसरी रिपोर्ट में आती है। और इन्होंने कहा इसमें आकर के कि मिट्टी का काम, कृषि, लकड़ी का काम, हस्त कौशल पाठ्यक्रम में, यानी कि ये सब इसलिए किया गया बच्चा तो सीखेगा, पढ़ेगा तो सीखेगा, करेगा, उससे आमदनी होगी, उससे शिक्षकों को वेतन दे दिया जाएगा, यानी कि वेतन से हाथ झाड़ लेना। समिति ने इस रिपोर्ट के बुनियादी तालीम को बेसिक शिक्षा का नाम दे दिया गया और इसी बुनियादी तालीम को ही यानी कि बेसिक एजुकेशन का नाम दिया गया।